अरे आजकल फिर मेरे दरवाजे के सामने कूड़ा फेंक गया। किसने भी कूड़ा फेंका, अल्लाह करे वो कीड़ा मकोड़ा बन के मर जाए। अरे ये क्या, आज फिर किसी ने मेरे घर के सामने कूड़ा डाल दिया। क्या हो गया बेटा? पापा 3 दिन से हमारे घर के आगे कोई कूड़ा डाल के चला जाता है। बेटा सहरी तक तो मैं ही जागता हूँ, लगता है कोई फजर में आके कूड़ा डाल के चला जाता है। हाँ पापा सही कह रहे, फजर में उठ के इसे रंगे हाथ पकड़ूंगा। अरे फजर हो गई, चलो कूड़े वाले को देख के आता हूँ। अरे वाह इस तो नहीं है कूड़ा। अरे फजर की अजान हो गई, चलो नमाज पढ़ लेता हूँ। बेटा अब तो परेशान नहीं कर रहा है वो तुम्हें कूड़े वाला? पापा अब तो वो कीड़ा मकोड़ा आ ही नहीं रहा है, मैं उसे रोज फजर में देखने के लिए उठता हूँ। बेटा तुम उसको इतना बुरा भला मत कहो, वो घर के सामने कूड़ा फेंकने वाला मैं ही था। मैं तुम्हें रोज फजर के टाइम उठाता था लेकिन तुम उठते ही नहीं थे। घर के सामने कूड़ा इकट्ठा हो रहा था इसकी फिक्र है तुम्हें, लेकिन जो ये नमाज नहीं पढ़ के तुम गुनाह इकट्ठा कर रहे थे उसकी फिक्र नहीं है तुम्हें। बेटा 7 साल के बच्चे पे नमाज फर्ज हो जाती है, और देखो इस कूड़े के बहाने तुम नमाज भी पढ़ने लगे।